एक दूजे के वास्ते। अरे श्रवण, तू यहाँ कैसे यार? तू तो सुबह की फ्लाइट से निकल गया था ना? हाँ यार, निकलना तो था पर वो फ्लाइट मिस हो गई यार। पर तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं यार वो आज रात को यहीं रुकने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, अब तू आ गया तो मैं चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, तू यहीं रुक विक्रम, मैं होटल चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। अरे मतलब मैं यहाँ रुकूँ और तू होटल में रहेगा? कैसी बातें कर रहा है यार, तू कहीं नहीं जा रहा है, बात खत्म। ओके पर विक्रम यार। अरे बहस मत कर, देख मैं यहाँ इसलिए रुक रहा था क्योंकि अगर सुमन को किसी चीज की जरूरत पड़े तो कोई होना चाहिए यहाँ पे। अब तू आ गया है तो ये ड्यूटी तेरी। ओके इसमें कौन सी बड़ी बात है? ओके अरे सॉरी यार, वो मैं तुझे बताना भूल गया, वो सुमन का एक्सीडेंट हो गया था, तुम मिला उससे अभी? डमरू भैया ये देखिए, ये है मेरा न्यू चेस बोर्ड। अरे लगता है ये लोग शॉपिंग करके आ गए। चल हाँ चल। चेकमेट, यस मैं जीत गया डमरू भैया। हार गए आप फिर से। जाना नहीं चाहता। अब उसमें मैं क्या कर सकता? श्रवण भैया मुझे लगा नहीं जरूर। अरे श्रवण तुम यहाँ? वो क्या ना कि अंकल एक्चुअली मेरी फ्लाइट मिस हो गई थी एंड फिर मुझे कुछ जरूरी काम आ गया, तो जस्ट अभी वो काम निपटा के आया हूँ। ये तो बेस्ट बात है, अब आप कहीं मत जाना श्रवण। तू बिल्कुल सही कह रहा है वीर। देख लो श्रवण, कुदरत भी यही चाहती है कि तुम विक्रम और सुमन की सगाई से पहले ना जा सको, अब तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। क्या जिद है कंचा, चल तो सही संभाल के। यहाँ पे चल। हाँ बैठ जाओ। ओके सब रेडी? ये है आज की शॉपिंग के सबसे इंपॉर्टेंट आइटम, विक्रम के लिए एंगेजमेंट रिंग्स। ये सब हम शॉर्टलिस्ट करके आए, इसमें से जो तुझे पसंद आए ना उसे फाइनल कर लेना, बाकी सब हम रिटर्न कर देंगे। सुमन बेटा तू रिंग फाइनल कर, और कंचन तेरी जिम्मेदारी है कि विक्रम का नाप एकदम सही होना चाहिए। ऑफ कोर्स। मम्मी नाप क्यों लेना? आई मीन जिसको रिंग पहननी है वो तो यहीं पर है ना। विक्रम जी सर आ गया ये, और हाथ बढ़ाइए। सुमन हाँ पहना ना। चल ना सुमन शुरू हो जा। देख एक साथ दो काम हो जाएंगे, एक तरफ विक्रम की रिंग का साइज मिल जाएगा, दूसरी तरफ सेरेमनी की रिहर्सल भी हो जाएगी ना। सुमन पहना विक्रम को। अरे तू भी ना फुल ड्रामा को इनला दे, मैं खुद ट्राई करता हूँ देखा। अरे पर क्यों, सुमन ही पहनाएगी। लाओ दो, ये आजकल के बच्चे ना रस्मों की वैल्यू नहीं समझते, तो खुद सोच कंचा, जब सीधा सगाई के दिन सुमन अपने हाथों से मुझे अंगूठी पहनाएगी तो उस वक्त की, उस अंगूठी की, उस रस्म की वैल्यू कुछ और होगी, है ना? ओहो क्या बात है, तुमने बड़ा सोच रखा है रस्मों के बारे में। हाँ अब सुमन ये तुम्हें जो भी डिजाइन पसंद हो तो सबसे पहले मैं वही ट्राई करके दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ ये कैसी लगी तुम्हें? अच्छी है। ये वाली? हाँ ये वाली अच्छी। ये कैसी है? अच्छी है। सुमन अच्छी तो सारी है लेकिन पहनने वाला तो मैं एक ही हूँ ना, तो प्लीज एक फाइनल करके बता दो ना। ये वाली बेस्ट है। अब श्रवण देख तो तुझे कैसी लगी ये वाली? अब यार दुल्हन की चॉइस तो हमेशा बेस्ट ही होती है ना, और अब अगर सुमन की पसंद है तो अच्छी ही होगी। अरे ट्राई करो ना विक्रम। एक्सक्यूज मी गाइस।
आया। सुमन आओ ना अंदर प्लीज बैठो। क्या सुमन तुम भी ना? खुद डॉक्टरों को तुम्हें इतना नहीं पता कि अगर तुम ऐसे स्पेन में चलोगी तो चोट बढ़ जाएगी। और मैं हूं ना यार, तू मुझे फोन कॉल या मैसेज कर देती, खुद आने की क्या जरूरत थी? पर नहीं, तुम तो चाहती हो कि पूरी दुनिया बस तुम्हारे लिए बैठी रहे। यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ श्रवण, कि इस दुनिया में कुछ लोग अपना सब काम छोड़कर मेरे लिए यहाँ क्यों बैठे हैं। मतलब ही तो समझ नहीं आ रहा मुझे तुम्हारे झूठ का, कि सच बोलने के बजाय तुम्हें झूठ बोलना क्यों ठीक लगा श्रवण। एक सेकंड, लेकिन मैंने क्या झूठ बोला? तुम्हारी फ्लाइट सच में मिस हुई थी। सुमन इस बारे में झूठ क्यों बोल रहे हो? एग्जैक्टली, मुझे भी तो यही जानना है। जब पूरा रास्ता लौटकर वापस आ ही गए थे श्रवण, तो सच ही बता देते ना, मुझे भी अच्छा लगता कि शायद तुम्हें मेरी परवाह है। पर तुम तो झूठ पे झूठ बोलते गए, फ्लाइट मिस हो गई, दोस्तों से मिल रहे हो। अब एक बात सच सच बोलोगे? ये तुम्हारा तरीका है मेरे लिए कंसर्न दिखाने का, या फिर मुझे जानबूझकर हर्ट करने का? सुमन, आज मैं तुमसे जानना चाहता हूं, तुम्हें क्या लगता है? मुझे जो भी लगता है ना श्रवण, वो अक्सर गलत ही होता है, तो भूल जाओ जो भी मुझे लगता है। तुमने झूठ क्यों कहा, बस ये सच बता दो। आई नो सुमन के सच हमेशा सही होता है, पर कुछ झूठ सच से भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। बस इतना समझ लो कि कुछ ऐसे झूठ के सारे में अपनी जिंदगी जीतूं। तो फिर उसी झूठ के बारे में बता दो जो तुम मुझसे छुपा रहे हो श्रवण। एक दूजे के वास्ते। You know what, सुमन? अभी ना बातों में रात खत्म हो जाएगी पर बातें नहीं। और तुम्हें तो पता ना कि इतना लंबा सफर करके आया हूं, मैं थक भी गया हूं थोड़ा, तो इफ यू डोंट माइंड मैं सो सकता हूं अभी। बैठा देता हूं। जिन चीजों पर हमारा जोर नहीं चलता, अक्सर हम उन्हीं चीजों को बदलना चाहते हैं। मैं अपने आज को बदलना चाहती हूँ, मैं उस कल को वापस चाहती हूँ जिसमें पापा थे, मम्मी थी, दद्दू थे और श्रवण जैसा एक प्यारा दोस्त था। श्रवण, तुम मेरी डायरी वापस करो। नहीं, I'm sorry. गुड नाइट। गुड नाइट। उसने अपनी डायरी में मेरे बारे में लिखा है। कैसी हो जुमरी? हम तो अच्छे हैं जी। जी, पूरे 4 साल बाद देख रहा हूं और तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही मेरी छोटी सी बच्ची। आप यहाँ अचानक? बता के आना चाहता था, पर तू मेरा फोन कहाँ उठाती है? मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे नाराज हो,
जब देवराज भाई सब नहीं थे तो मुझे तुम लोग का ख्याल रखना चाहिए था, मगर अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा मैं। आंटी, ये मेरे पापा हैं और पापा मैं कुछ दिनों से इनके साथ ही रह रही हूँ। नमस्ते जी। हम लोगों से पहले आप रहते थे ना यहाँ पर? जी, इस घर के कोने कोने से हमारी यादें जुड़ी हुई, और अच्छा हुआ अपनी बेटा तू यहीं मिल गई, कम से कम इसी बहाने अपने पापा के साथ थोड़ा वक्त तो बिताएगी। पापा, लेकिन मैं कब तक ऐसे अंकल आंटी को परेशान करूंगी? नहीं बेटा, तेरे वजह से तो मन बहल जाता था मेरा, और अभी थोड़ी सी परेशानी आ गई है। वो ये है कि रूपाली के पापा ने ये घर बेच दिया है। लेकिन आप लोगों ने ये घर अभी अभी तो खरीदा था। बहुत अच्छे घर के दाम मिले तो बेच दिया, इसलिए हम लोगों को ये घर खाली करना पड़ेगा। पर जब तक हम हैं तब तक तुम रह सकती हो। आप लोग बातें करिए, मैं आती हूँ। हाय, उनके जाने के बाद भी तुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब मैंने कहा था ना मैं सब ठीक कर दूंगा, बस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखना, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। एक एक करके मैं अपने परिवार को भी साथ ले आऊंगा। भरोसा कर हमने मेरा। अरे भाई साहब, आप आइए आइए। आइए। कैसे हैं आप? भाई साहब मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आइए बैठिए। इतने सालों बाद भाई साहब। जी, दरअसल जी, कैसे? बैठिए भाई साहब। दरअसल आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अचानक 7 साल बाद मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। दरअसल मैंने हमारा घर वापस खरीद लिया है। अच्छा जी। अरे वाह। अब बस घर वालों को वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब सब रिश्ते ठीक हो रहे थे तो मैंने सोचा आप लोग के साथ जो था। भाई साहब, पुराने रिश्ते कैसे जुड़ेंगे अब ये तो वक्त ही बताएगा, पर मैं इतना जरूर चाहूंगा कि अब दोनों परिवारों के बीच में किसी भी तरह की कोई टकरार ना रहे। और वैसे भी भाई साहब, लड़ने झगड़ने से क्या फायदा, किसी को कुछ हासिल नहीं होता। और हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि दोनों परिवारों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आपके परिवार के बारे में भी सुना था मैंने। सही मायनों में तो रिश्ते जोड़ने की शुरुआत सुमन ने की, केस वापस लेकर। हम सबके सर से तो बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? वो सुमन आ गए। तुम्हारे पैर में चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं, वो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। दरअसल तुमने हम लोग के सर से बहुत बड़ा चिंता का बोझ हटा दिया, तो मैंने सोचा पर्सनली तुम्हें मिलकर थैंक यू बोलूं। थैंक यू सो मच केस वापस लेने के लिए। अब भाई साहब, जो हो गया सो हो गया, अब पुरानी बातों को भूलकर नए रिश्ते मजबूत करते हैं। अगर सुमन ने केस वापस लिया है तो श्रवण की वजह से भी तो दोनों परिवारों के बीच सब कुछ ठीक हो रहा है। श्रवण चाचू, तू यहाँ क्या कर रहा है? सुमन चाचू, वो क्या ना कि सिचुएशन से कुछ ऐसी बन गई थी, मेरे कंधे में चोट लग गई थी तो मुझे भोपाल रुकना पड़ा कुछ दिन। घर पहले ही बेच दिया था तो बस यहाँ। अब आप सबको समझाए भी ना बताता तो आप तो जानते ही ना। चल कोई बात नहीं, मैंने तेरी घर वाली मजबूरी अब दूर कर दी। मैंने हमारा घर खरीद लिया है श्रवण, मल्होत्रा हाउस फिर से अब हमारा है। तू चल रहा है ना श्रवण? चाचू मुझे तो ड्यूटी पर जाना है, तुम मैं। ओए, मुझे सब पता है, अभी तुझे अपनी कमांड ज्वाइन करने में टाइम है, और वैसे भी तू घर ही जा रहा था ना। ले, मैं तेरा घर ही तेरे पास ले आया। तू घर चलेगा ना श्रवण, जहां अपने चाचा के साथ वक्त बिताएगा। हाँ चाचू। चल मैं जा रहा हूँ, तू अपना सामान लेके आ जा। ठीक है चाचू। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब श्रवण यहीं पड़ोस में रुक जाएगा और कुछ दिन भोपाल छोड़ के नहीं जाएगा।
थैंक यू भाई साहब मेरा फोन उठाने के लिए। मैं जानता हूँ आप मुझसे बात नहीं करना चाहते। मुझे जब अपने परिवार के साथ होना था तब, मगर मैं अब अपनी हर गलती सुधार रहा हूँ। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हमारा घर आपका इंतजार कर रहा है भाई साहब। इतना सब याद है तुझे और तू भूल गया राजेंद्र, वो घर हमारा नहीं है, घर बिक गया है। मैंने हमारा घर वापस खरीद लिया भाई साहब। हमारा परिवार अपने घर वापस लौटेगा भाई साहब। मैं खुद सबसे माफी मांगूंगा। अब तो जो पड़ोसियों से इशू था वो भी सॉल्व हो गया, उन लोगों ने केस वापस ले लिया है। अब सब कुछ ठीक हो गया है, और ठीक होगा कैसे नहीं। जब से हमारा घर बिका था ना भाई साहब, हमारा श्रवण पड़ोसियों के साथ ही रह रहा है। अब बस आप और भाभी घर वापस आ जाइए। श्रवण तिवारियों के घर। राजेंद्र तू चाहता कि मैं तुझे माफ कर दूं? इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं यही चाहता हूं भाई साहब। ठीक है, मैं 2 दिन में वहां आ रहा हूं राजेंद्र, लेकिन ये बात श्रवण को मत बताना। वो यहां आने वाला था, मैं उसे सरप्राइज दूंगा। आप सच में आ रहे हैं ना भाई साहब? हाँ आना ही पड़ेगा, तूने बात ही ऐसी बताई है। और श्रवण से भी मिलना चाहता हूं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.